महंगाई, बेरोजगारी और कर्ज मुक्ति हिमाचल की प्राथमिकताएं, कांग्रेस। दीपक शर्मा बोले, सरकार इन मुद्दों से ध्यान हटाने का कर रही प्रयास। प्रदेश में बेरोजगार युवाओं का आंकड़ा 12 लाख के पार पहुंच चुका है। महंगाई से आमजन त्रस्त है। सरकार पर 65,000 करोड़ के कर्ज ने आर्थिक स्थिति को खराब कर रखा है। हर माह सरकार करोड़ों का कर्ज लेकर कर्मचारियों का वेतन और पेंशनधारियों की पेंशन दे रही है। ऐसे में सरकार का पूरा ध्यान और प्राथमिकता इन अहम समस्याओं के निराकरण की होनी चाहिए, लेकिन यह प्रदेश का दुर्भाग्य है कि जयराम सरकार इन विषयों से कन्नी काटकर जनता को भ्रमित करने के उद्देश्य से लोकलुभावनी घोषणाएं करके गुमराह कर रही है। यह बात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता दीपक शर्मा ने आज कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने जब देखा कि जनाक्रोश बढ़ चुका है, जनता सरकार की कार्यप्रणाली से खफा है, तो जनता को गुमराह करने के उद्देश्य से नए नए शगुफे छोड़कर ध्यान बांटने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सरकार की वित्तीय स्थिति खराब है। हर माह भीख का कटोरा लेकर सरकार कर्ज ले रही है। ऐसे में बिना बजट के की जा रही घोषणाएं मात्र जुमलेबाजी के अतिरिक्त कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं। यह सब भाजपा सरकार की बौखलाहट है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनहित के मुद्दों पर प्रदेश सरकार को जब बेनकाब कर रही है, तो भाजपा ही कांग्रेस के विरुद्ध दुष्प्रचार करने लगी है। तथ्यहीन आरोप लगाकर भाजपा अपनी बौखलाहट प्रदर्शित कर रही है। दीपक शर्मा ने कहा कि भाजपा के झूठे प्रचार से कांग्रेस घबराने वाली नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कांग्रेस पर टिप्पणियां करने से पहले अपने मंत्रियों के बड़बोलेपन पर कगाम लगाए। जिस तरह से मंत्री बेलगाम हैं, उससे साफ नजर आता है कि मुख्यमंत्री का अपने मंत्रियों, पार्टी नेताओं, अधिकारियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। सबकी अपनी अपनी डफली और बेसुरा राग है। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रदेश हित के ज्वलंत मुद्दों से मुंह मोड़कर भाजपा सरकार हिमाचल के बड़ा नुकसान कर रही है। वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश में 3 मुख्य ज्वलंत समस्याएं हैं, जिनके बारे में सरकार को ध्यान दें। महंगाई, बेरोजगारी और कर्ज मुक्ति, इन तीनों विषयों के ऊपर सरकार अपनी नीति स्पष्ट करे और ऐसी नीति लेकर आए, ऐसे कार्यक्रम लेकर आए, सरकार गंभीरता दिखाए ताकि इन विषयों से निजात मिल सके। इन तीनों विषयों से अगर प्रदेश को निजात मिलती है, निसंदेह प्रदेश आगे बढ़ेगा। हमीरपुर से आपका फैसला टीवी के लिए ब्यूरो चीफ सुरेंद्र कटोच की रिपोर्ट।